Hi guys, my name is Dr. Sagrika Sharma and I am working as a Senior Medical Content Writer at Ganesh Diagnostic and Imaging Center. तो आज हम बात करेंगे MR साइलोग्राफी के बारे में. ये MRI है जो साइलोग्राफी किया जाएगा फॉर पेरोटिड ग्लैंड या फिर किसी और सलाइवरी ग्लैंड के लिए. इसका हम प्रोसीजर देखेंगे, एडवांटेजेस, किन लोगों को करवाना चाहिए एंड वाई इज़ गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर द बेस्ट सेंटर ऑफ योर चॉइस. तो अब बात करते हैं साइलोग्राफी के बारे में. साइलोग्राफी हमारी एक इमेजिंग टेक्निक है जो कि हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स को व्यू करती है. मोस्टली हम पेरोटिड ग्लैंड को देखते हैं. ये एक हाई सेंसिटिव टेक्निक है जिसमें फ्लोरोस्कोपी भी यूज़ हो सकता है इन अ क्रॉस सेक्शनल वे. ये बोथ सीटी एंड MRI वे में कंडक्ट किया जा सकता है. और आज हम डिस्कस करेंगे MR साइलोग्राफी के बारे में डिटेल में. तो साइलोग्राफी जो हमारी टेक्निक है एक फेयरली सेंसिटिव टेक्निक मानी जाती है और ये बहुत रिलायबल भी है क्योंकि ये बाद में रिप्रोड्यूस सेम टेक्निक को कर सकते हैं. तो इसमें हमारा कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट होगा जो डायरेक्टली IV के थ्रू होगा इन MR साइलोग्राफी. इसका सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ है कि इंट्राल्यूमिनल फ्लूइड को ब्राइटन कर देता है जिससे हम डक्टल मॉर्फोलॉजी ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड देख सकते हैं. इसके एडवांटेजेस जान लेते हैं. ये एक रैपिड टेक्निक है, नॉन इन्वेजिव. बाकी पेरोटिड ग्लैंड के अलावा भी ये सलाइवरी ग्लैंड्स को व्यू करने में हेल्प करता है, डिलिनेशन ऑफ पैरेन्काइमल पैथोलॉजी. और बाकी इसमें क्योंकि कैन्यूलेशन यूज़ नहीं होता तो एयर बबल्स का भी रिस्क नहीं है. तो अब ये जान लेते हैं कि किन पेशेंट्स को ये टेक्निक अंडरगो नहीं करनी चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी कोई डेंटल फिलिंग्स हैं, इम्प्लांट्स हैं या फिर पेसमेकर्स प्रेजेंट हैं, कोई मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको अलाउ नहीं करेगा. उसके अलावा इस टेस्ट की ये भी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर ब्रांचेस को डिलिनिएट करता है. तो ये टेस्ट क्यों कराया जाता है? अगर आपकी पेन है या स्वेलिंग है सलाइवरी ग्लैंड्स में. इसके अलावा अगर साइलोलिथियासिस है या कोई क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्शन है आपके सलाइवरी ग्लैंड की मॉर्फोलॉजी में, और या फिर कोई आपका डायलेशन है ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड. ये बहुत केसेस में देखा जाता है क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज में या फिर ऑटो इम्यून डिजीजेज में सच एज सिका सिंड्रोम. तो अब जान लेते हैं इसके प्रोसीजर के बारे में. सबसे पहले ध्यान रहे कि आपके पास एक वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ है और आपके पास डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन है. उसके अलावा बिफोर अंडरगोइंग दिस टेस्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आपको एलर्जी है टू द कॉन्ट्रास्ट मीडिया या अक्यूट साइलोडिनाइटिस, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड, तो आप ये टेस्ट अंडरगो ना करें. तो इसके प्रोसीजर में जान लेते हैं कि क्या होगा. फर्स्टली कॉन्ट्रास्ट मीडिया आपका इंजेक्ट किया जाएगा सलाइवरी ग्लैंड्स में, सलाइवरी डक्ट के अंदर. दूसरा, एक साइलोग्राम यूज़ किया जाएगा एंड परफॉर्म होगा टू डायग्नोज एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन योर सलाइवरी ग्लैंड्स. उसके बाद एक थिन ट्यूब आपकी सलाइवरी ग्लैंड या डक्ट की ओपनिंग में प्रेजेंट होगी जहाँ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड इंसर्ट होगा. ये प्रोबिंग किया जाता है टू सी एनी ऑब्स्ट्रक्शन और ये इतना पेनफुल कंसिडर्ड नहीं है इसलिए विदाउट एनेस्थीजिया होगा. तो अब जान लेते हैं कि टेस्ट के बाद क्या किया जाए. जब आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो रेडियोलॉजिस्ट असेस करेगा कि और इमेजेस की ज़रूरत है या नहीं. वंस द रेडियोलॉजिस्ट इज सेटिस्फाइड आप घर जा सकते हैं. जो डाई आपकी इंजेक्ट की थी वो फ्लश आउट हो जाएगी. आप अपने सलाइवरी ग्लैंड्स मसाज कर सकते हैं फॉर ईज. ये टेस्ट हमारे गणेश डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर पे किया जाता है जहां हम इंश्योर करते हैं पेशेंट सेफ्टी एंड कंफर्ट. यहां पे बहुत सारे टेस्ट पे 50% ऑफ है और हमारे सारे ही प्रोफेशनल्स ट्रेंड हैं और डिग्निफाइड वे में काम करते हैं. तो किसी भी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं या हमसे संपर्क कर सकते हैं. Thank you for watching this video.